तो अभी हम सब लोग फ्रेश हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं जहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे उधर, और पीछे एक अच्छा व्यू मिलते हैं। पहले उधर जाएंगे थोड़े फोटो वीटर्स और उसके बाद ब्रेकफास्ट। लेट्स गो। ओके, तो यहाँ से व्यू देखो। खाली मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा व्यू है। तो थोड़ा सा यहाँ फोटो शूट चालू है। आज का आउटफिट आपको दिखा रहा हूँ मैं। धीरज ऐसा पकड़। तो जो भी सिनेमेटिक्स थे वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। और माथेरन का मैं पूरा एक ब्लॉग टाइप वीडियो बनाने वाला था पर वैसा हुआ नहीं। तो यही था जो भी आपने देखा। और माथेरन से आके मुझे 2 दिन हो चुके हैं। कल मैंने ट्रेन किया था अपर बॉडी और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ लेग्स एंड आर्म्स। तो सोच रहा हूँ कि लेग्स एंड आर्म्स का वर्कआउट आपको दिखाता हूँ। इतना हैवी नहीं जाने वाला मैं क्योंकि जिम को बहुत ज़्यादा छुट्टी वगैरह हो चुका है, मतलब स्कीप हो चुकी है जिम। तो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाना चाहता। इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए तो इजी और कम वेट में ही वर्कआउट करूँगा। ज़्यादा हैवी जाऊँगा नहीं, सेट्स भी ज़्यादा नहीं रखूँगा। और एक बात, इसके बाद में एक एंड ऑफ बल्क के ऊपर वीडियो मेरी रेडी है, वो अपलोड करने वाला हूँ। तो वो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो वीडियो मैंने 2 मंथ्स पहले ही रेडी करके रखी है। खाली मुझे एक वर्कआउट करना था, उसमें डालना था, इसलिए मैंने वीडियो को अपलोड नहीं करी थी। और तो इसके बाद आएगी वीडियो, आप देखो। और देखना है तो सब्सक्राइब भी करो। ओके, तो मिलते हैं डायरेक्ट जिम में लेग एंड बाइसेप्स ट्राइसेप्स।
ओके तो मैं घर आ चुका हूँ। वो वर्कआउट के बाद मैंने पोस्ट वर्कआउट में लिया था ओट्स, और उसके साथ आपने देखा होगा जिम में कि मैंने अभी फ्यूज़न वे यूज़ कर रहा हूँ फास्ट एंड अप का। अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय करो। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए FUP सुजीत कोड यूज़ करना, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अभी मैं चॉकलेट फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ। और एक बात, इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एंड ऑफ बॉल, तो अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑन करो, उससे अगर देखनी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं डायरेक्ट उस वीडियो में, 2-3 दिन में अपलोड करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड।